Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online classes. And today we are going to start a new topic, how to write a descriptive essay. But before we start to writing a descriptive essay, firstly, I need to justify why we are talking about the descriptive essay right now. And secondly, what are the key steps which are essential to राइट अ डिस्क्रिप्टिव एसे. तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला सवाल तो ये आएगा कि हमारी किताब में कहाँ मौजूद है जो इसकी ज़रूरत हमें पेश आ रही है कि हमें डिस्क्रिप्टिव एसे लिखना है और उस डिस्क्रिप्टिव एसे को हमें गो थ्रू करना है फाइनली विद द थिंग्स. तो लेट्स टेक अ ब्रीफ लुक ऑन द बुक. ये बुक आपके पास, बुक का पेज सामने स्क्रीन पे आ रहा है और ये आपको लिखना है राइटिंग यूनिट नंबर 1.4 आपके पास मौजूद है डिस्क्रिप्टिव एसे. इसकी डेफिनेशन कोड लिखी हुई है, वो आप देख लें सामने. आर डिस्क्रिप्टिव एसे इज डिस्क्राइबिंग अ पर्सन. डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही टू डिस्क्राइब होता है, ठीक है ना. तो डिस्क्रिप्टिव एसे कर गया रहा है, इट इज डिस्क्राइबिंग अ पर्सन प्लेस और थिंग. फॉर एग्जांपल, यू वांटेड टू राइट एन एसे ऑन अ मेमोरेबल इवेंट ऑफ योर लाइफ, और मे बी यू आर इंटरेस्टेड टू राइट समथिंग अबाउट अ विजिट टू अ जू, और मे बी यू वांटेड टू राइट समथिंग लाइक एन एडवांस इंटरव्यू विद एक्स वाई जेड ऑफ योर फेवरेट पीपल और अ फेवरेट पर्सन, ठीक है. इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ के बारे में, फॉर एग्जाम्पल, वी ऑफ्टन रोट समथिंग अबाउट द पाकिस्तान एज वेल एज द कायदे आजम. सो डिस्क्रिप्टिव इज टू डिस्क्राइब द थिंग, और वो थिंग्स क्या हो सकती हैं, पर्सन, प्लेस या कुछ भी चीज़ हो सकती है. इट इंक्लूड द इम्पॉर्टेंट डिटेल अबाउट द पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, when you are trying to write an essay about the Qaid-e-Azam, you should be able to write Qaid-e-Azam kab paida hue and where he get the education, unne education kahan se hasil ki, higher education kahan se hasil ki, and since how long he was practicing the advocacy, aur fir kab siyasat ke andar aaye, xyz, these are the details which is required to describe the Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, aur unki health ke bare mein aur xyz. ठीक है, वी विल लर्न ईच थिंग स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह. सो आगे क्या चीज है यहाँ पर हमारे पास, इन सच अ मैनर दैट द रीडर कैन क्रिएट अ पिक्चर इन देयर माइंड अबाउट द ऑब्जेक्ट बीइंग डिस्क्राइब्ड. और लिखना इस तरीके से है कि अगर नो बॉडी नोज अबाउट दैट प्लेस, पर्सन और अ थिंग, तो उसके बारे में नहीं जानता है, तो आपका ऐसे पढ़ के उसको उस चीज के खतोखाल, उस चीज के बारे में, उस चीज के वेयर अबाउट के बारे में, वो तमाम की तमाम नॉलेज जो है वो जनरेट हो जाए. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट इट इज़ द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू बी कंसीडर इन राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव एसे. सही हो गई बात ये. फॉर एग्जांपल, यू डू नॉट नो अबाउट माओ ज़ेडुंग. माओ ज़ेडुंग जो है, क्या कहते हैं, चाइना का सदर है, जैसे कायदे आजम यहाँ पे थे उसी तरह से उसने भी रेवोल्यूशन लेकर आया, और उसके क्या क्या की फीचर्स थे उनके बारे में आप बता रहे हैं. समबडी हु नेवर हर्ड द नेम ऑफ माओ ज़ेडुंग, और उसके बारे में जो है वो आपका ऐसे पढ़ के वो उस डिटेल से वाकिफ हो जाए कि जी इस बंदे की ये चाइना के लिए कंट्रीब्यूशन थी. होपफुली के आई एम मेकिंग सम सेंस अबाउट दिस डिस्क्रिप्टिव एसे. तो यहाँ जस्टिफिकेशन होती है, और इसको जरा सा देखें, आपकी एक्सरसाइज क्या है जिसपे हम बाद में आएंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा समझना है कि ठीक है, यूज द अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. क्योंकि हम किसी चीज़ की अच्छाई, बुराई, खदोखाल कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वी शुड बी वेरी इनरिच विद द एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. इसकी वोकैबुलरी आपके पास होनी चाहिए. विविड इफेक्ट, विविड के मतलब होते हैं स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस. तो इफ यू रियली वॉन्टेड टू इन्फ्लुएंस द थिंग्स वेरी स्ट्रांगली, तो योर आर्गूमेंट मस्ट सपोर्ट वट एवर यू आर ट्राइंग टू डू. और प्लीज Do only portray the actual picture. वो actual picture जो है हकीकी बात है. ये ना हो कि ऐसी fantasy आपने लगा दी सर सैयद अहमद खान को लिखते हुए जो उनका उनकी ज़ात से कोई ताल्लुक ही नहीं है. तो ये सब आपने नहीं करना है, बल्कि आपने एक ठीक से बात को eliminate करना है और enunciate करना है. I'm sorry, eliminate बोला मैंने. अच्छा, अब यहाँ पे एक्सरसाइज वन दे रहा है, कह रहा है कि इंडिविजुअली रीड द आर्टिकल. उस आर्टिकल को आप रीड करें और फिर उस. So what we need to do, we need to go with the introductory paragraph. These are the things which we need to write, discuss the introductory paragraph. For example, who is Qaid-e-Azam and what are the whereabouts he is actually following, etc. ये सारी बातें आपने करनी है, और उसके बाद जो है अंडरलाइन करना है टॉपिक को, तमाम चीज़ों को, और उसके बाद उसको डिस्कस करना है, फैक्ट्स और आइडियाज़ को करना है. या इन्होंने एक सैम्पल राइटिंग रखी है, डेजर्ट.
ठीक है, तो अभी इसको पढ़ने का इस वक्त फायदा नहीं है। पहले हम ये देख लेते हैं ऐसे होते क्या हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऐसे वी हैव, और उसमें हमारे पास डिस्क्रिप्टिव ऐसे कैसे लिखा जाता है, एंड व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू हाईलाइट व्हेन एवर वी आर ट्राइंग टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे। ठीक है, नैरेटिव ऐसे अलग तरीके से लिखा जाता है, कॉज एंड इफेक्ट ऐसे अलग तरीके से लिखा जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो लेट्स कंसीडर दिस एज अ कंसिडरेशन ऑफ अ स्टफ। ओके, सो द थिंग इज वेरी क्लियर। तो हम इस डेजर्ट के ऐसे को तो थोड़ी देर में याद करते हैं, और ताकि हम अपने काम को सही से लेके चल सके। ठीक है, इसको याद भी करते हैं, समझते भी इसमें पैराग्राफ किस तरह से इसने जोट डाउन किए हैं और किस तरह से ऑर्गेनाइज किए हैं, और उसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है वो काम को हमने आगे बढ़ाना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन ऑन द टॉपिक के जी व्हाट इज एसे एंड हाउ दिस एसे कैन बी यूजफुल एंड वॉट आर द की आउटलाइंस विच वी नीड टू बी हैव अ कंसिडरेशन वाइल वी आर राइटिंग अ एसे। ठीक है, तो ये एसे के ऊपर बात करते हैं, वॉट इज एन एसे। ठीक है, तो इन द एसे क्या है, इज अ स्टोरी अबाउट समथिंग, इज अ इंफॉर्मेशन और द नॉलेज कैटरिंग अबाउट समथिंग एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। ठीक है, इन द मोस्ट सिंपल टर्म एन एसे इज अ शॉर्ट पीस ऑफ अ राइटिंग विच इज सेट अराउंड अ स्पेसिफिक टॉपिक और अ सब्जेक्ट। द पीस ऑफ राइटिंग विल गिव इंफॉर्मेशन सराउंडिंग द टॉपिक बट विल ऑल्सो डिस्प्ले द ओपिनियन ऑन थॉट्स ऑफ द ऑथर। ठीक है, इसका मतलब तीन बातें यहाँ पे याद रखनी है। जो ऐसे है ना, ये एक तो उस चीज के बारे में होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे पढ़ने के बाद स्टीरियोटाइपिंग हो सकती है। व्हाट वी मीन बाय द वर्ड स्टीरियोटाइपिंग, मैं थोड़ा सा मुश्किल इसलिए कर रहा हूँ कि बेटा आज के बाद आपने हमेशा ऐसे लिखना है। आप सीएसएस के एग्जाम में बैठे हैं या बोर्ड के एग्जाम में बैठे हैं, यू नीड टू राइट द ऐसे। ऐसे आपका पैराग्राफ की शक्ल में आता है कभी तो कभी जो है किसी शक्ल में। तभी हम बहुत सारे सैंपल ऐसे भी देखेंगे कि दो लेक्चर की सीरीज है जिसमें हम इसको कंटिन्यू करते चले जाएंगे। ठीक है, ऑफ्टन टाइम एन एसे इज यूज इन एन अकेडमिक सेंस बाय वे ऑफ एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर अ स्टूडेंट हैज अंडरस्टूड देयर स्टडीज एज अ वे ऑफ टेस्टिंग देयर नॉलेज। ठीक है, एग्जाम में आता है, यही बात मैंने भी बहुत ही एक मोमेंट पहले मैंने यही बात आपसे की और यही बात यहाँ पे आ रही है कि ऐसे हमारे पास ये है, देर आर फोर टाइप्स हेयर, लेकिन नॉर्मली सिक्स टाइप्स हैं ऐसे की, वो हम बारी बारी देखेंगे। सब स्लाइड अभी देख लें, समझ लें, जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज है। इसमें वेबसाइट का एड्रेस भी आ रहा होता है, तो वो भी आप देख सकते हैं खुद से भी जाके, जहाँ से मैंने ये स्लाइड ली होती है। तो नैरेटिव ऐसे है, नैरेटिव इज अ नरेशन। व्हाट वी मीन बाय द वर्ड नरेशन, नरेशन का मतलब होता है स्टोरी टेलिंग। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जनाब वंस आई मेट अ पर्सन, और उसके बारे में जो है आपने एक ऐसी स्टोरी एक ऐसी कहानी बनाई, जो भी स्टोरी राइटिंग है दैट इज अ नरेटिव ऐसे, वो नरेटिव ऐसे होता है। देन वी विल कम विद द आवर एक्चुअल टॉपिक विच इज अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे इज एक्चुअली नथिंग बट डिस्क्राइबिंग अबाउट द पर्सन प्लेस और अ थिंग, किसी भी चीज के बारे में बताने के लिए जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास क्या कहला रहा होता है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे। उसके बाद ये एक्सपोजिटरी ऐसे की बात हो रही है, और परसुएसिव ऐसे, थोड़ी मुश्किल टर्म्स हैं लेकिन हम इसको इग्नोर करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पढ़ते चलते हैं स्लाइड में, चूंकि ये पॉपअप हो रहा है। एक्सपोजिटरी क्या होते हैं, दीज टाइप ऑफ ऐसे डू नॉट हैव अ मच रूम टू फॉर द क्रिएटिविटी एज दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक सर्वे, आपको बजट बताया जा रहा है तो ये बताया जा रहा है पिछले साल ये महंगाई हुई, उसकी वजह से हमने ये इन्फ्लेशन का शिकार हुए, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, ये आपके पास एक्सपोजिटरी एसेस कहलाते हैं। और परसुएसिव एसे इसी के साथ एक और होता है, ठीक है, और इसमें परसुएसिव में आप परस्यू करते हैं किसी को, आप बताते हैं कि जी मेरा जो व्यू पॉइंट है वो सही है, यानी इट्स लाइक अ डिबेट, आप डिबेट की तरह बात करते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के उसके दलाइल देते हैं कि हाउ यू थिंक योर पॉइंट ऑफ व्यू इज राइट। तो सच ऐसे इज टर्म्ड एज अ परस्यूसिव ऐसे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। आई हैव अनदर डॉक्यूमेंट फॉर यू, आपके लिए एक और डॉक्यूमेंट भी रखे, और बिल्कुल घबराए ना, इनको आराम आराम से करेंगे और करते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऐसे हमारे पास मौजूद हैं, कहाँ गया भाई वो डॉक्यूमेंट टाइप्स ऑफ ऐसे वाला, पीडीएफ में था। ठीक है, मैं पीडीएफ खोल लेता हूँ, ये हमने देख लिया, इसको पीडीएफ को ओपन कर लेते, और साथ साथ जो है टाइप्स ऑफ ऐसे, एक तो नैरेटिव हो गया हमारे पास, एक जो है क्या कहते हैं डिस्क्रिप्टिव हो गया, और नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव के बाद आगे आप देखें कॉज एंड इफेक्ट होता है। कॉज एंड इफेक्ट के अलावा जो है आपके पास और कौन कौन सी टाइप्स हैं, यही दिस इज अ मास्टर डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट को आपने फॉलो करना है, और ये आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। और आपका आज का होमवर्क यही होगा कि ऐसे की मुख्तलिफ टाइप्स को आपको अंडरस्टैंड करके इसके की पॉइंट्स
हाउ टू राइट दैट स्पेसिफिक एसेट नैरेटिव हो गया था हमारे पास. इट इज लाइक अ टेलिंग अ स्टोरी. आई टोल्ड यू जब पूरा पूरा नहीं करना है आपने, आपने छोटी छोटी सी बातें करनी है. इसमें बहुत ज़्यादा आप अगर अटकेंगे तो आपका काम जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा बेटा. तो आपने क्या करना है, छोटी छोटी सी चीज़ों को इनॉम्शरेट करना है. जैसे इट इज़ अबाउट द टेलिंग अ स्टोरी विच मेक इट इज इंटरेस्टिंग टू द रिजल्ट और रिजल्ट आर गेटिंग अ सम पॉइंट्स विच आर रीडर मे अंडरस्टैंड. ठीक है. सेकेंड चीज इसमें एग्जाम्पल, यू माइट राइट अ स्टोरी अबाउट अ मीटिंग टू समवन हु इज स्पेशल फॉर यू. आपकी किसी प्रेजिडेंट से मुलाकात होती है, चीज़ों से मुलाकात होती है, तो ये आपका जो है नैरेटिव ऐसे के अंदर आ सकता है. आप किसी को जाकर अपनी स्टोरीज सुना रहे हैं, तो दीज आर द थिंग्स. ठीक है. इसकी गाइडलाइन क्या है वो ये सामने आपके आ रही है. क्या क्या चीज़ें आपने इसका ख्याल रखना है, मेक अ स्पेसिफिक पॉइंट, इन्वॉल्व रीडर इन द स्टोरी. इस तरह की बात रखें कि आपको ये ना लगे कि रीडर को कुछ समझ नहीं आ रहा, बल्कि ये लगे रीडर जब पढ़ रहा हो उस स्टोरी को तो उसको लगे कि ही और शी मे बी वन ऑफ द कैरेक्टर इन दैट स्टोरी. उस स्टोरी के अंदर वो एक कैरेक्टर है. अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिस्क्रिप्टिव स्टोरी, उसको भी गो थ्रू करते हैं. ओके, सो डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, आपका क्या ख्याल है डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या, और यही आपका कोर टास्क है, कोर एप्लीकेशन है कि डिस्क्रिप्टिव है क्या. अबाउट द सर्टेन टॉपिक विच इज टेलिंग अबाउट द पर्सन प्लेस और थिंग. ठीक है. अपील टू द फाइव सेंसेस, यानी ये ऐसा हो सुनने में, ये ना हो कि आपने हवा में जुगत लगाई हुई. जुगत नहीं लगानी, बल्कि व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द डिटेल्स और एक्चुअलिटी ऑफ अ टॉपिक. ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए. और जैसे इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ये इट शुड बी अपीलिंग टू द साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच. इन पांचों सेंसेस के ऊपर जो है क्या कहते हैं इसको अपील करना चाहिए. यूज एक्टिव वर्ब्स. ठीक है, एक्टिव वर्ब्स यूज करने हैं. ठीक है, इन विच द सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्टिंग इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्टेड अपॉन बाय द समथिंग और एल्स, सच एज सिंडी हिट्स द बॉल इंस्टेड द बॉल वॉज हिट बाय. यानी कि एक्टिव वाइज यूज करना है, पैसिव वाइज यूज नहीं करना है. इफ यू आर नॉट फैमिलियर विद द एक्टिव पैसिव वाइज, प्लीज गो एंड चेक माई लेक्चर्स अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव वाइज. आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ वराइटीज ऑफ दीज एक्टिव एंड पैसिव वाइज. ठीक है, अवॉइड वेग लैंग्वेज. वेग कहते हैं अभाम. ठीक है, तो ऐसी लैंग्वेज ना यूज करें जिसका कोई कॉन्सेप्ट ना हो या सामने वाला उसकी मीनिंग्स को उस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक भी जो है नहीं लगा सकता. फॉर एग्जांपल, यू आर यूजिंग द वर्ड प्रीटी, रियली, अ लॉट, ये आप टॉक नहीं कर रहे हैं. यू आर नॉट राइटिंग द डायलॉग्स, यू आर एक्चुअली राइटिंग द एसे. ठीक है, सिमिलरली क्रिएट डोमिनेंट इंप्रेशन. ठीक है, इंप्रेशन ठीक से जमाना है. यूज कंपैरिजंस. कंपैरिजंस आपने यूज करने हैं. व्हाई इट इज इंटरेस्टेड टू हैव द कंपैरिजन, बिकॉज दूसरे को जो है क्या कहते हैं कंपैरिजंस में यूज करते हुए फायदा होता है, कभी नुकसान नहीं होता, क्योंकि उससे आपकी बात का वजन ज्यादा होता है ऑफकोर्स. ठीक है, तो उसमें इसने कुछ एग्जाम्पल्स दी है कि सिमिलीज जो है वो आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इन ऑर्डर टू हेल्प मेक द डिस्क्रिप्शन मोर विविड, बहुत स्ट्रॉन्ग विविड के पीछे मीनिंग्स आ चुके हैं. टू द रीडर यूज सिमिलीज. सिमिलीज हिज इमोशनल स्टेट वॉज लाइक अ रोलर कोस्टर, है ना. तो ये आपने हवाला दे दी कि रोलर कोस्टर की तरह उसकी इमोशनल स्टेट है, बिल्कुल स्टेबल है. मेटाफोर्स यूज कर सकते हैं आप, सच एज हर स्माइल वॉज रे. मुझे पता है कि आपको लग रहा है कि आपके स्टैंडर्ड से बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन सुनिए सिर्फ इसको, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कभी सुनने का इतफाक हो तो आपको राइटिंग. देखिए, एक तो ये तरीका है, मैं आपको चार टॉपिक दूँ, चारों पे ऐसे लिखवा दूँ या डेजर्ट को डिस्कस कर लेता, और एक ये तरीका है मैं आपको थ्योरी समझाना चाह रहा हूँ. तो मुझे डिस्करेज ना कीजिए, कोशिश कीजिए कि जो बातें सर समझा रहे हैं वो आपको आनी चाहिए. इसके बाद कंपेरिजन और कंट्रास्ट ऐसे इनको मैं तेजी से जोट डाउन करता, क्योंकि टॉपिक की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी. फिर हम सैंपल ऐसे देखेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में डेजर्ट को मुकम्मल करेंगे. कंपैरिजन और कंट्रास्ट ऐसे जिसमें आप कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, या उसके कंट्रास्ट, प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें देखते हैं. इसकी गाइडलाइंस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं. उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट है. ठीक है, इसको कॉजल स्टडी भी कहते हैं. ऐसा होगा तो यूँ होगा, बारिशें अगर ज़्यादा हुई तो शहर में फ्लड आने के चांसेस हैं, और उस सैलाब के नतीजे में चीज़ें डूबने के चांसेस हैं. तो व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स, उसके मेजर्स क्या हैं कि किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि आपका एरिया स्कोप नहीं है तो इस पर मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा, जस्ट फॉर द नेमिंग पर्पस आपको आना चाहिए. उसके बाद आर्गुमेंटेटिव ऐसे होना चाहिए जिसमें आप कोई क्लेम करें और अपने आप को जो है सपोर्ट करें एविडेंसेस से, लॉजिकल दलाइल से. ये बिल्कुल वो परसुएसिव ऐसे के ही अल्टरनेट नाम है जिसमें आप परस्यू कर रहे होते हैं, चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं. ठीक है, ये उसके स्टेप्स आ गए. उसके बाद क्लासिफिकेशन और डिवीजन ऐसे, इन विच यू आर सब क्लासिफाइंग अ स्टफ एंड मेकिंग अ डिटेल ऑफ दैट स्टफ. ठीक है, यहाँ तक आपने बात रखनी है. यहाँ तक बात रखने के बाद बेटा अब हम चलते हैं एक सैंपल ऐसे की तरफ.
ये एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखा, हमारा टारगेट चूंकि डिस्क्रिप्टिव ऐसे ही है तो लिहाजा डिस्क्रिप्टिव ऐसे ही हमें पढ़ना है। इसको ओपन कर लेते हैं, किसके ऊपर कर लें ओपन? जी ये आपके सामने स्क्रीन पे ओपन हो गया है एडोब के ऊपर, और एडोब के ऊपर ओपन होने के बाद अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हालांकि थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहरहाल हम उसको डेजर्ट वाले को पढ़ के ये देखें। हमने पढ़ा था कि डिस्क्रिप्टिव शुड बी अबाउट अ प्लेस पर्सन और थिंग, ठीक है, तो ये प्लेस के मुतालिक ऐसे एवरीवन है सब। अभी हम सब पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं और समझते हैं कि ओपनिंग कैसी होती है। इस पहले पैराग्राफ को हम ओपनिंग पैराग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं पहले पैराग्राफ को? क्योंकि आपने खुद लिखने की कुछ, देखो आप गलत लिख के लिखे, आप दो लाइनें भी ठीक ना लिखो, डोंट स्केयर्ड, स्केयर्ड नहीं होना है, आपने डरना नहीं है, नए नए तजुर्बा से डरना नहीं है। इसीलिए मैं नई चीजें बहुत डिटेल में कोशिश करता हूँ कि आप लोग सीखें, ताकि वो डिटेल्स आपको आपके चीजों के साथ कनेक्ट कर सके, ठीक हो गई बात ये? तो पहला पैराग्राफ से सीखेंगे। इसके अंदर के पहला पैराग्राफ क्या कह रहा है? पहला पैराग्राफ ये कह रहा है, हमारे पास ओपनिंग पैराग्राफ कहलाता है, किसी भी चीज के बारे में जो आपने डिसाइड किया है उसके बारे में वो जो है क्या कहते हैं डिटेल करता है। एवरीवन हैज सम इमेजिनरी प्लेस वेयर ही और शी हाइड्स फ्रॉम अ रियल वर्ल्ड ट्रबल्स एंड द वरीज, ठीक है, बड़ी अच्छी लाइन लिखी है इसने कि हर आदमी हर शख्स को कोई ना कोई ऐसी जगह पसंद होती है जहाँ पे वो चाहता है कि अपनी मुश्किलात और मसाइब से परेशानियों से जाकर छुप जाए। Some go back to that place before they go to the sleep just to dream about the something pleasant and release their mind from stress. ठीक है, कुछ लोग ख्वाबों में वहां जाते हैं और अपने माइंड को स्ट्रेस से दबाव से आजाद करते हैं। Other visit that place when they mediate exercise their mind by consciously controlling feelings and emotions. I like mediating. अच्छा यहाँ थोड़ा सा मुश्किल इंग्लिश यूज की है, इसको अवॉइड कीजिएगा, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप सीखेंगे तो पता चलेगा। आई लाइक मीडिएटिंग, मीडिएटर्स ऐसे होते हैं, आप स्ट्रेस में तो आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली, थोड़ी सी वॉक कर ली तो आप रिलैक्स हो गए, इस तरह की फिनोमेना को इस वक्त इस लेवल पे आप जो समझ रहे हैं तो आप मीडिएटिंग जो है टास्क कह सकते हैं। आई लाइक मीडिएटिंग एज वेल एज एंड फाइंड दिस प्रैक्टिस एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर माई इमोशनल वेल बींग, ठीक है, ये मैं ये जो काम करता हूँ जो प्लेस को विजिट करता हूँ, देखिए इंट्रोडक्शन दे रहा, अभी उसने प्लेस का जिक्र नहीं किया। वन ऑफ द एक्सरसाइज दैट टिपिकली perform is going to my imaginary place where I feel calm, relaxed and comfortable and where I can get rid of negative emotions. Get rid idiom है जिसका मायने है छुटकारा पाना, और negative emotion मनफी ख्याल से and obtuse thought और बेकार के ख्याल से। I would like to describe this place to you in detail, है ना? यहाँ इसने सिर्फ इंट्रोडक्शन डाला है, तमीज डाली कि मैं क्यों इस बारे में लिखना चाहता हूँ, एक अपनी फेवरेट प्लेस के बारे में, बिकॉज दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से मैं इस प्लेस पे जाना पसंद करता हूँ। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, आ गई ना समझ में बेटा आपको ये बात? तो अब इसके बाद क्या करना है हमने, अब यहाँ पे अपना लेक्चर एंड करते हैं क्योंकि बहुत लंबा भी हो गया और आई नो के बोरिंग है। क्लास सिक्स ग्रेड का एक ऐसे है, इसके रूल्स जरा सा चेक कर लेते हैं। डिस्क्राइब descriptive language used to describe create the small atmosphere, ये तो इसकी चीजें आ रही हैं सारी। read the following, ठीक है, choose one of the topic, ये आपने करना है और उसके बाद describe करना है। हम जरा सा देखते हैं कि describe एक ऐसे किस तरीके से लिखा हुआ है, देखें। for example Saturday morning at a shopping mall, तो ठीक है क्या हो सकता है कि जी luckily I am free on the Saturday and I have a mood to go outside or visiting XYZ place and my mom called me for XYZ, ठीक है, इस तरह से बनाना है। आपने ऐसे डायरेक्ट पैराग्राफ की शक्ल में लिखना, आपने ये जो तीन टॉपिक आपके सामने आ रहे हैं, सैटरडे मॉर्निंग एट द शॉपिंग मॉल, नाउ और नेवर, और द एप्पल ऑफ माई आई, मेरी आंख का तारा, ठीक है, जैसे कोई वालिद लिख रहे मेरी आंख का, या आप अपनी वालदा से या वालिद से जिनसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, या अपने छोटे भाई से या कजन से, तो वो आप इधर लिख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ दो पैराग्राफ लिखनी है और होमवर्क इज जस्ट वेरी सिंपल, यू नीड टू राइट अ टू पैराग्राफ अबाउट एनी ऑफ द टॉपिक विच इज एक्चुअली शोइंग ऑन योर स्क्रीन, ठीक है, ये आपने करना है। और जब आप इसको कंप्लीट कर लें तो फिर इसके बाद आपने आगे बढ़ना है। ये कुछ पिक्चर डिस्क्रिप्शन भी है लेकिन इनका अभी हमारे पास कोई भी काम नहीं है, हमने इसको आगे चल के देखना है, ठीक है। और ये सारे ऐसे अभी हम देखेंगे कि किस तरह से अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और उम्मीद है कि आपको ये हमारा लेक्चर समझ में आएगा। थोड़ा सा मुश्किल है, दो तीन बार सुनेंगे तो इंशाल्लाह यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट वन। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है, कीप सब्सक्राइबिंग एंड फॉरवर्डिंग अवर लेक्चर्स टू द अदर पीपल सो एवरी कैन गेट द प्रॉपर एंड इक्वली बेनिफिशियल फ्रॉम दैट वन। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।